बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप से इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आज आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और समर 2007 का पेपर 4 का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये कहता है टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नेट 8 न्यूटन, दो फोर्स ने हर की किसी का मैग्नेट 8 न्यूटन है, इन द डायरेक्शन ओ एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी की डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं। The angle between the forces is theta degree. Angle theta degree hai. See diagram. The result of two forces has x as component 9 newton. 9 newton component in the direction OA. OA ki direction mein isko x axis deta hu. X axis. OA ki direction mein. To ye hamara x axis hai. To ye hamara y axis hai. Idhar tak hua ye y axis. To aap dekhiye general angle F1 mein 8 newton le raha hu ye. F1 8 newton aur theta 1 iski 0 degree. F2 8 न्यूटन और थेटा 2 में ले रहा हूँ थेटा। अच्छा, अब इसका ये कहता है कि द रिजल्ट ऑफ द टू फोर्सेस में कपल 9 न्यूटन द डायरेक्शन ओ ए, तो एफ एक्स अगर करूँगा तो ये हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के, और एफ एक्स बराबर है 9 के, 9 एफ वन एक्स इसका 8 न्यूटन ये आएगा 8 और प्लस इसका आएगा 8 कॉस थेटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो थेटा आ जाएगा, देखें बेसिकली मैंने ये ले लिया कि एफ वन ले लिया, एफ वन मैंने ले लिया 8 न्यूटन के और थेटा वन 0 ले लिया, एफ टू भी 8 न्यूटन ले लिया और थेटा टू मैंने थेटा के ले लिया, तो एफ एक्स बराबर होता है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के, क्योंकि एफ एक्स कहते हैं कि 9 है, 9 न्यूटन है, तो एफ वन एक्स ये जाएगा 8 कॉस 0 और प्लस 8 कॉस थेटा। इस क्वेश्चन को साथ 8 cos 0 ये 9 ये होगा 8 cos 0 1 होता तो 8 और प्लस 8 cos थीटा के, तो 8 cos थीटा आप इधर लेके जाए इस तरह करें 8 प्लस 8 cos थीटा इज इक्वल टू 9 के। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो थीटा आ जाएगा हमारा 8 cos थीटा हो जाएगा 9 माइनस 8, तो 8 cos थीटा आ जाएगा 1 के, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1 ओवर 8, तो थीटा आ जाता है कैलकुलेटर से करें तो थेटा आ जाता है 82.8 डिग्री, ठीक है, थेटा मिल गया। अब देखिए एफ वाई कंपोनेंट मालूम करूँगा, एफ वाई इसका देखें एफ थेटा टू ये है, एफ थेटा है, तो एफ वाई कंपोनेंट इसका थेटा में मिल गया हमें, तो एफ वाई आ जाएगा एफ वन साइन थेटा वन और प्लस एफ टू साइन थेटा टू, तो ये आ जाएगा 8 और साइन 0 और प्लस 8 और साइन 82.2 डिग्री, तो 8 साइन 0 तो 0 आ जाएगा, एफ वाई 8 साइन 82.2 डिग्री, एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 7.94 न्यूटन। अब देखिए एफ एक्स आपको मिला हुआ है, एफ वाई ये, तो आप ये देखें एफ एक्स आपको मिला हुआ है, ये एफ एक्स है हमारा 9 न्यूटन और ये एफ वाई हमारा 7.94 न्यूटन, तो एफ आ जाएगा थीटा या एफ अल्फा एंगल होगा रिजल्टेंट का, तो इसने सब मैग्नीट्यूड मांगा है, तो एफ इसका आ जाएगा 9 का स्क्वायर और प्लस 7.94 का होल स्क्वायर अंडर द रूट में, आप उसका 9 का स्क्वायर लें फिर 7.94 का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आंसर आ जाता है 12 न्यूटन, तो रिजल्टेंट 12 न्यूटन हुआ। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आराम से किया, देखें आपने इसको एफ वन को 8 न्यूटन लिया, थेटा वन इसके साथ 0 डिग्री, एफ टू 8 न्यूटन, थेटा टू थेटा लिया, और एफ एक्स क्योंकि 12 के बराबर बराबर मिला हुआ है 9 के बराबर सारी, तो एफ एक्स को 9 के 9 इज इक्वल 8 प्लस 8 का इक्वेशन को सॉल्व किया तो थेटा की वैल्यू मिल गई, जब थेटा मिल गया तो एफ वाई कंपोनेंट रिजल्ट मिल गया, एफ एक्स पहले मिला हुआ 9, एफ वाई मिल गया तो आपने रिजल्ट मिल गया। थैंक यू वेरी मच।